18 ऑफ मी ट्राइंग अ बेटर एंड अ हेल्दी लाइफस्टाइल। ओके सो अभी ना सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं उठ गई थी 7:30 बजे एंड मैंने आज ना उठते ही 1 लीटर पानी पी लिया बिकॉज मेरा पानी का इंटेक कम हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था 2 दिन से मैं मतलब पहले ठीक चल रहा था बट 1-2 दिन मेरा थोड़ा कम हुआ पानी। सो आज मैंने उठते ही 1 लीटर पी लिया। आई एम सो हैप्पी, बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है आज एक ऐसा मिशन अकम्प्लिश कर लिया, ऐसा फीलिंग आ रही है। ऑल्दो भी 1 लीटर ही पिया है तो अभी लेने वाली हूँ मैं एक एप्पल या जो भी फ्रूट पड़ा होगा घर में वही खाने वाली हूँ फिलहाल के लिए। सो पहले देख लेते हैं कि क्या पड़ा है घर में अभी फ्रूट के नाम पर। वैसे ड्राई फ्रूट्स भी पड़े हैं बट आई रियली वॉन्ट टू हैव समथिंग ऐसा फ्रूट्स में। ये रहा एक एप्पल, ग्रीन एप्पल पड़ा हुआ है तो मैं ग्रीन एप्पल ही खा लेती हूँ। पहले इसको वॉश कर लेती हूँ अच्छे से। ऑल्सो आज घर का काम जल्दी जल्दी करना है बिकॉज अभी थोड़े दिन पहले मैं बाहर गई थी एंड आपको 50K वाले ब्लॉग में दिखा होगा। सो हुआ ये था कि मम्मा बाहर थी एंड मैं स्टोर के अंदर थी तो मैं बिलिंग करा रही थी एंड वहाँ पर ना मुझे ऐसे बिलिंग के टाइम पर ही एक सूट दिख गया मम्मा के लिए एंड मैंने सोचा मैं ले लेती हूँ। उन्हें पता नहीं था मैं ले रही हूँ, मैंने सरप्राइज़ के लिए मैंने ले लिया एंड मैं कार में आके मैंने उनको दिखाया कि आप देखना ज़रा बैग में क्या पड़ा है ऐसे करके एंड इट वॉज अ सूट। तो मम्मा नहीं ये कहाँ से ले आई, बट ना साइज़ का इशू हो गया एंड साइज़ थोड़ा छोटा है बड़ा ऐसा वाला हो रखा है तो हमें वो चेंज करवाना है एंड मॉल मेरे घर से 1/2 आवर या 45 मिनट्स दूर है तो वो मेरे को बड़ा आलस आ रहा है यार कि क्या यार क्यों ही लिया मैंने, मम्मी के साथ ही लेना चाहिए था। बट ठीक है अभी शायद हमें आज वो भी चेंज करवाने जाना है और देखना है कि वो होगा भी या नहीं बिकॉज वो सेल अभी सेल चल रही थी तो वो सेल के उसमें लिया था मैंने। अब पता नहीं वो चेंज भी होगा या नहीं होगा, आज का वो टास्क है। तो मम्मा मुझे कल रात को बोल रही थी कि कल चल रही हो मेरे साथ बट अब देखते हैं कि कितने बजे निकलना है और क्या है। तो मैं यही सोच रही थी मेरा जो भी वीडियो का और एडिटिंग का काम है, अरे बाहर क्या हो गया डॉगी चिल्ला रहा है, तो मेरा यही था कि जितना भी मेरा एडिटिंग वगैरह का काम होगा या जो भी होगा मैं फटाफट निपटा लूंगी एंड ताकि मम्मी के साथ टाइम से निकल लूँ। तो मैं पहले अपना एप्पल एंजॉय कर लेती हूँ और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। ओके गाइस सो देयर इज अ चेंज इन माय प्लान, तो अभी हम बाहर नहीं जा रहे हैं, घर पे आ रही है मासी। मुझे अभी जस्ट थोड़ी देर पहले फोन आया मासी का कि आज उनका ऑफ है तो वो भी आने वाले हैं मासी और मौसा जी एंड मामा मामी को भी बुला लिया उन्होंने। तो मतलब बेसिकली गेट टुगेदर होने वाला है घर पर आज बहुत दिनों के बाद। और ये रहा मेरा ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया है बेसन चिल्ला और यही खाने वाले हैं मस्त अभी। पहले मैंने यही सोचा था कि ब्रेकफास्ट करने के बाद हम निकल ही लेंगे घंटे बाद, पापा उधर बेल कर रहे हैं, बट अब तो चेंज हो ही गया है तो अभी मैं फटाफट घर का काम कर देती हूँ क्योंकि मासी 1 घंटे तक आ ही जाएगी, 1-1.5 घंटे तक। सो करते हैं, नीचे भी जाना है थोड़ा बहुत सामान लेके आना है उनके लिए। सो देखते हैं, चलो दोस्तों दिन की शुरुआत करें, पहले भोजन कर लें बिकॉज भूख लग रही है। ऑल्सो मैंने दही में कुछ नहीं डाला है, मुझे किसी ने पूछा था आप क्या डालते हो, नमक डालते हो, चीनी डालते हो, क्या डालते हो, मैं सादा ही दही लेती हूँ और अगर किसी दिन रायता टाइप से तो उसमें नमक डाल लेती हूँ, नमक और मिर्च, ये वाला सादा दही है। ओके गाइस मैं नहा धोकर आ गई, घर का काम हो गया है, इतनी गर्मी है बाय गॉड। आई वाज जस्ट फिल्मिंग गिव अवे वाला पार्ट, पता नहीं वो वाली वीडियो इस वीडियो से पहले आएगी, आई गेस इससे पहले ही आएगी। तो अगर अभी तक आपने गिव अवे में एंट्री नहीं करी है तो कर लो, 1 वीक का टाइम है एंड अभी मासी और मौसा जी आते ही होंगे, वो रस्ते में है। अभी मम्मा ने फोन किया था मुझे नीचे जाके थोड़ा बहुत सामान लेके आना है सर, चिप्स और नमकीन वगैरह, बट उससे पहले मैं अपना प्रोटीन शेक पीने वाली हूँ तो चलते हैं किचन में और प्रोटीन लेकर आते हैं एंड ये सब सामान भी उठा लेती हूँ जो गिव अवे का मेरा गिफ्ट्स हैं वो भी उठा के अंदर रख देती हूँ आराम से। ज़ारा हट जाओ भाई, और आज तो ये भी वीडियो में पूरा घूम रही थी। एंड ये रहा मेरा प्रोटीन पाउडर और ये मुझे मेरे नी के डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया है तो इसीलिए मैं ये ले रही हूँ। अयो मेरी बॉटल ही नहीं खुल रही। एंड मुझे ना कई लोग बोल रहे थे कि अगर आप वर्कआउट नहीं करोगे प्रोटीन के साथ तो आपका वेट गेन ही होगा, बट द थिंग इज कि मैं अभी वर्कआउट नहीं कर सकती हूँ ड्यू टू माई नी पेन एंड आई थिंक अभी मेरा जो नी है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए वेट लॉस से ज्यादा, बिकॉज अगर मेरी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी तो क्या फायदा फिर। अभी इसीलिए मैं अपनी नी पर ही ध्यान दे रही हूँ, मेडिसिन और ये सब खा रही हूँ। अगर वेट गेन हो भी रहा है तो कोई बात नहीं, एक बार नी ठीक हो जाए फिर वेट भी हम कम कर लेंगे। सो यार आई जस्ट वॉन्टेड टू एड्रेस दिस टॉपिक क्योंकि मुझे बहुत लोग लिखते हैं कि आप ऐसा क्यों पी रहे हो प्रोटीन शेक एंड प्रोटीन पाउडर अगर आप वर्कआउट ही नहीं कर रहे तो। मासी आ गई,
ज़ारा पहले चली जाती है। ज़ारा ओके गाइज लंच में है, पीछे मासी बोल रही है, लंच में घी की सब्जी, रायता नहीं है बस नमक और मिर्च वाला दही, वन फुलका विद देसी घी और साथ में आम का अचार। तो दोस्तों मासी आ गई है। हाय मासी। हाय मौसा जी। yes. अभी मौसा जी अपना गिफ्ट लेकर आए हैं नया नया। फोकस ऑन चेन। तो ये उनकी अभी वो मासी पता नहीं क्या गिफ्ट मिला है इन्हें मासी के थ्रू या जो भी मुझे नहीं पता। तो हाँ हाय मौसा जी कैसे हो आप? बताओ। हम भी बढ़िया हैं। आप बताइए मासी कैसे हैं? बहुत ही बढ़िया। हाय मॉमी। हेलो। कैमरा पे हेलो, इतनी क्यूटली बोलती है। और अभी मासी लाई है साथ में अपने समोसे, तो साथ ही लाई है वो समोसे। हाँ समोसे कुलचा ये सब लेकर आई हैं। बट अभी लंच में मैं अपना रोटी वगैरह ही खा रही हूँ, घिया और रोटी, क्योंकि अभी मेरा समोसा खाने का मन नहीं है। खा लूंगी अभी, हो सकता है इवनिंग स्नैक्स में आज समोसा खाएं, बट मुझे बहुत जोर से भूख लग रही थी तो मैंने सोचा अपनी रोटी बना लेती हूँ। तो अभी अपना एंजॉय करती हूँ मैं रोटी और अचार और यही सब। और सैलेड में आज क्यूकम्बर खत्म हो रखा था इसलिए मैंने सैलेड नहीं लिया है, प्लस दही में मैंने नॉर्मल नमक और मिर्ची डाल लिया। और सभी मुझे अब ऐसे देखने की क्या बोले जा रही है। दोस्तों तो अभी हो रहा है स्नैक्स टाइम और हम पी रहे हैं कॉफी, क्योंकि ये आई हैं कॉफी लवर। तो आई एम नॉट लवर, ये कुछ भी नहीं है, ना कॉफी ना टी, शी इज माय लवर। या और ज़ारा आज बहुत बोल रही है। तो मम्मी जी और मामी जी पी रहे हैं चाय और हम मौसा जी हमें देख के नजर लगा। चलो मैं कॉफी ओके। सो डिनर में मैंने ले लिया समोसा जो मासी लाई थी, बट इसकी प्रेजेंटेशन बहुत गंदी है तो सॉरी।